एक्सीडेंट हुआ था तो डांस तो मैं पहले से ही करती थी, तो मैंने जब मैं बेड पे थी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी, तो मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ही विनोद ठाकुर जी को डांस करते हुए देखा, जिनकी दोनों लेग्स नहीं हैं तो वो डांस कर रहे थे, तो तभी मेरे अंदर भी एक जुनून पैदा हुआ कि अगर वो कर सकते तो मैं भी करके दिखाऊंगी और एक टांग पे सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। नहीं, एक्सीडेंट के पहले डांस करती थी, पर एक्सीडेंट के बाद जब मैंने एक टांग पे स्टार्ट किया डांस करना तो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था एक लेग में, तो उसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। मैंने योगा, जिम सब कुछ ज्वाइन किया ताकि मेरे अंदर मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और एक टांग पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा डांस कर सकूँ। तो एक साल लगा मुझे पूरा रेडी होने के लिए। एक्चुअली मैं उनके जिम में ही जाती थी, उनके जिम में ही मैं एक्सरसाइज करती थी, तो वो मुझे हर टाइम मोटिवेट करते थे कि अगर मुझमें हिम्मत नहीं रहती थी एक्सरसाइज करने की, तब भी वो मुझे मोटिवेट करते थे कि करो, तुम कर सकती हो। और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनमें, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनके साथ शादी। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई सपना है तो उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ है वो एक बार मिलती है, आपको बार बार नहीं मिलेगी वो, तो इसी लाइफ में आप वो अपने सारे सपने पूरे करो जो आप चाहते हो। थैंक यू सो मच। थोड़ा बहुत बदल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको चेंज करें, पर हमको ज़रूरत है कि हमारे साथ सब लोग हमारे साथ लगे, हमारे साथ जुड़ें, ताकि जो सोसाइटी है वो पूरी तरह चेंज हो। आज भी हम जब इतना कुछ करने के बाद भी हम बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बैड कमेंट सुनने को मिलता है, तो ये सब कहीं ना कहीं दुखता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो हम सबको आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी ये बिल्कुल चेंज होगा। ये जो मोटो है इसने मुझे इंस्पायर ऐसे किया कि अगर मैं अपनी बॉडी को वैसे ही लेके बैठ जाती जैसे लोग सोचते हैं कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी ये घर में बैठ जाए, कुछ मत करे। कई लोगों ने कहा भी मुझे जब मैं प्रैक्टिस करती थी कि तुम क्या कर रही हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम घर में बैठो, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा क्या, तुम्हारी मदर तुम्हारी सब कुछ नहीं करेंगी तुम्हारे साथ, तो ये सब मुझे दुखता था। तो मैं सबको कहती थी कि मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं, मेरी लाइफ है, मेरी बॉडी है, तो मैं इसके साथ जो मर्जी करूं।